नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन अर्निंग यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज मैं अपने खुद के जो अकाउंट है उससे लॉग इन करके आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, जो लीगल टिप्स है और ट्रिक्स है जिससे आप अर्निंग ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहना। और मेरा ये जो हनी गेन है, इसका जो लिंक है, ज्वाइनिंग लिंक, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहे तो उधर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी प्रॉफिट मिलता रहेगा। आपको मेरे लिंक से अगर ज्वाइन करेंगे आप, तो आपको $5 एडवांस मिलेगा। तो अगर उसको लेना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो लिंक है उससे ज्वाइन कीजिए, दोनों का ही फ़ायदा होगा, विन विन सिचुएशन। तो देखिए, कुछ सवाल मैं पहले बता देता हूँ, कुछ सवाल जो पूछा जाता है मेरे से कि हनी गेन क्या चीज़ है, वो तो समझा दिया कि हाँ, आपको जो बैंडविड्थ है उसको आप भाड़े पे देते हो, उसके बदले में कुछ पैसा मिलता है। तो आदमी पूछता है कि भाई, मेरे पास कोई कोई पूछता है कि अनलिमिटेड कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है घर पे, वाईफाई है फ्री का, लेकिन फिर भी अर्निंग ज़्यादा नहीं हो रहा है मेरा, तो क्या करूँ? तो ये सब टिप्स मैं बताऊँगा, ठीक है, 3-4 तरीका बताऊँगा जिससे आपको आसानी से अर्निंग कर सकते हो। पहले मैं बता देता हूँ एस्टिमेट अर्निंग आपका क्या होगा। अगर आप महीने का सोचे 3 GB खर्चा होता है, तो आपको 9 से 10 डॉलर मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो इसको 10 डॉलर करेंगे तो एक महीने में $30 आपको मिल जाएगा। सॉरी, 10 GB का करोगे तो आपको $30 मिल जाएगा महीने का। और इसका पे आउट का परसेंटेज है $20 अगर होगा तो आप पे आउट कर सकते हो। इसका मतलब आप हर महीने अपना पेमेंट ले सकते हो। तो ये जो थ्रेशोल्ड है, इसको कैसे अचीव करोगे तो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहले ज्वाइन कर लीजिए मेरे लिंक से, और मैं अभी लॉग इन करके बताता हूँ। मैंने खुद का जो मतलब जितना समझा और फ़ायदा भी मुझे मिल रहा है। देखिए, मैं ज्वाइन किया था लगभग 10 तारीख को, 10 तारीख छोड़ दीजिए, वो तो दोपहर के बाद या शाम पे ज्वाइन किया था, 11 तारीख से आप मान लीजिए। देखिए, काम करना चालू किया था तो पहले कुछ दिन इंक्रीज़ हुआ, फिर बहुत ज़्यादा, फिर कम होते गया, फिर अभी स्टेबल हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि तरीका अपना लिया मैं तो ये इंक्रीज़ होते जा रहा है। आप देख सकते हो मेरा 15% हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे एक गलती किया जो आप, मैं नहीं चाहता आप करो। मेरे रेफरल लिंक से आप अगर डाउनलोड करोगे, इसको मैं क्रॉस कर, देखिए यहाँ पे मेरा रेफरल लिंक दिया हुआ है। अगर आप सिंपली ज्वाइन करोगे जो मैंने किया था, तो आपको कुछ नहीं मिलता। और अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करोगे तो $5 आपको एडवांस में मिलेगा। ये दिमाग में याद करके रखना कि देखिए, अभी 5 होता तो मेरे पास 8,000 पॉइंट हो जाता। ये गलती आप मत करना। तो ये एक तरीका है, आपको बहुत जल्दी से बूस्ट मिल जाएगा आपको अर्निंग के लिए, ठीक है। तो वो कर लेना। अब मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया इंक्रीज़ करने के लिए। तो देखिए, सुबह के 9 ही बजा है तो $0.07 अभी हो गया, 75 पॉइंट हो गया, मतलब कितना आपका मान लीजिए 700 MB के आसपास कुछ हो गया। तो 700 नहीं हुआ, सॉरी, 300 MB के आसपास हो गया, 350 MB। तो मैंने क्या किया, देखिए, एक कॉमन सा ईमेल बनाया और पासवर्ड बनाया। अब आपके पास मानिए कि डेस्कटॉप है, आपके पास ब्रॉडबैंड और वाईफाई दोनों कनेक्टेड है, और आपके पास एक मोबाइल डिवाइस है। तो पहले आप अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कीजिए इसको, ठीक है। डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करके उसको छोड़ दीजिए, और दूसरा इंस्टॉल कीजिए आप अपने मोबाइल पे, ठीक है। सेम आईडी पासवर्ड होगा, पीसी का भी जो है, आपके फ़ोन का भी वो होगा, लेकिन जो कनेक्शन है वो इस्तेमाल करो। आपको सबको मोबाइल रिचार्ज किया हुआ होता है, 1.5 GB से 2 GB डेली का मिलता है। तो जिसके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है घर पे या फिर वाईफाई है कनेक्टेड, तो उसका वो 1.5 GB या 2 GB बेकार जाता है। तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। पीसी देखिए, अगर आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो हनी गेन को, तो ये आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन से यूज़ होता है। और अगर इसी ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाईफाई थ्रू आप मोबाइल पे कनेक्ट करोगे तो हनी गेन काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको अलग से इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इसीलिए आपके मोबाइल का जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको इस्तेमाल कीजिए आप, इसको अकेला छोड़ दीजिए, पीसी को अकेला छोड़ दीजिए, वो अपने आप करता जाएगा। लेकिन अपने जो डेटा है, मोबाइल का सिम का जो डेटा है, उसको यूटिलाइज कीजिए मोबाइल पे, जिससे हनी गेन का अर्निंग ज़्यादा होगा। यह हो गया एक तरीका, ठीक है। बहुत से लोग सेम ब्रॉडबैंड कनेक्शन से वाईफाई कनेक्ट करके मोबाइल और पीसी चलाते हैं, तो अर्निंग नहीं होता, मोबाइल से नहीं होता, पीसी से जनरेट होता है। तो ये गलती मत करना। दूसरा जो ट्रिक है, देखिए, एक कॉमन सा आईडी बनाइए, कॉमन सा पासवर्ड बनाइए, और अपना जो 20-25 सबके पास दोस्त होता है, 20-25 जो दोस्त है, उसको कन्विंस कीजिए कि भाई ऐसा एक सिस्टम है, ठीक है। और ये रेफरल मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे खुद रेफरल का कुछ मतलब, मैं रेफरल नहीं करता और मेरे से नहीं होता ज़्यादा रेफरिंग ये वो। तो आप क्या कीजिए, सबको समझाइए कि भाई ये एक सिस्टम है, तेरे मोबाइल पे रहेगा, तू चाहे तो डेली का 500 MB या 400 MB जो है वो कटवा सकते हैं अपने 1.5 GB या 2 GB प्लान से।
और उसके बदले में तुझे पैसा मिलेगा। ये दिमाग में सबको घुसा देना कि तुझे बदले में भाड़े का पैसा मिलेगा। तो सब पैसे का नाम सुनते ही, मतलब उनको ऐसे बोलना कि महीने का बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि तुम मोबाइल का रिचार्ज आराम से निकल सकता है, तो सब इंटरेस्टेड होगा, हाँ भाई कर ले, हाँ भाई कर दे। तो मैंने वो सेम चीज़ किया। तो देखिए अभी मेरे पास 13 डिवाइस कनेक्टेड है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, 13, जिसमें से एक मेरा पीसी है, मेरा मोबाइल है और बाकी पीसी मोबाइल सब कुछ मिला के हैं, ठीक है। तो देखिए ये डेली मैं इंक्रीज करते करते जा रहा हूँ, तो ये थोड़ा स्टेबल होते जाएगा धीरे धीरे। तो ये चीज़ आप करना, जितना ज़्यादा डालोगे आप, क्योंकि सबका अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन है, हर घर पे अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन है, हर फ़ोन का अलग इंटरनेट कनेक्शन, तो आपका अर्निंग जो है वो मैक्सिमाइज होता जाएगा। मैं रेफरल का बात नहीं कर रहा हूँ, रेफरल अगर करोगे आप तो आपको 10% कमीशन मिलेगा, और ये जो करोगे ये आपका 100% ही मिलेगा, ठीक है। तो रेफरल से ज़्यादा आप अपने ईमेल आईडी पासवर्ड कॉमन बनाइए, उसको सब में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बहुत क्लोज है, ऐसा नहीं कि किसी किसी को भी दे दिया, ऐसा नहीं। अपना जो क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो होता है, क्योंकि घर पे आपके मम्मी पापा है, भाई बहन जो भी है, उसके सबके फ़ोन पे लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे गैदरिंग होता जाएगा अपने आप, तो ये अर्निंग का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा कर देता है। ये क्या दूसरा ट्रिक। अब तीसरा जो मैं बताता हूँ, देखिए आप बहुत से लोग जो बोलता है कि मेरे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी हनीगेन ज़्यादा नहीं कटता, तो पीसी में अगर पीसी पे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो एक फ़ायदा आपको मिलता है कंटेंट डिलीवरी का। कंटेंट डिलीवरी क्या होता है, मेरे इंडिया पे नहीं चल रहा था, ये 17 तारीख से ही चालू हुआ है इंडिया पे। तो देखिए ये देखिए मेरा पीसी 18 घंटा, 14 घंटा, 20 घंटा, 65 घंटा हो गया, ठीक है। तो इसके बदले में मुझे कितना पैसा मिला है, जो कंटेंट डिलीवरी। कंटेंट डिलीवरी क्या है, आपके जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको इस्तेमाल करके वो टेस्टिंग या डेटा इस तरह का कुछ अपना वो टेस्ट करेगा, ठीक है। सिक्योर कनेक्शन तो है ही, तो वो अपने आप टेस्ट करते जाएगा। तो इसके बदले में आपको जो नॉर्मल जो गैदरिंग होता है उससे ज़्यादा आपको कंटेंट डिलीवरी में मिलता है। मैं प्रूफ दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये मेरा पीसी है, तो ये पीसी और ये मेरा मोबाइल है, तो ये दोनों लगभग एक ही टाइम पे दिया हुआ है। अब देखिए मोबाइल का कनेक्शन स्टेबल नहीं होता, मतलब आप इंटरनेट ऑन करते हो या फिर बाहर चले गए या फिर वाईफाई से कनेक्ट कर लिए तो आपका मोबाइल का जो हनीगेन है वो बंद हो जाता है। तो फिर भी देखिए ये मेरा गैदरिंग पीसी ने 5.46 गैदरिंग किया और मोबाइल ने 4.79, 8 ही मान लिए, तो ज़्यादा नहीं है, मतलब 700-800 का ही फ़र्क है, 700-800 MB का ही फ़र्क है। लेकिन इसका पॉइंट देखिए, 478 पॉइंट ये दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, और पीसी ने वही सेम मतलब 700 MB के लिए 1200 पॉइंट क्लिक किया है, मतलब 800 ज़्यादा। तो ये 800 कहाँ से आया, ये इधर से नहीं आया, ये जो ज़्यादा आ रहा है ना आपको, ये ज़्यादा जो मिल रहा है ना, ये देखिए ये मिल रहा है आपको कंटेंट डिलीवरी से। ये जो जब से कंटेंट डिलीवरी स्टार्ट हुआ है ये एकदम से बूस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको 500 दिखना चाहिए, मतलब देखिए जैसे यहाँ पे 478 79 है तो 478 दिखाता है, 3.68 है, 69 है तो 3.689 दिखाता है, तो इसके हिसाब से 546 है तो यहाँ पे 546 ही दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं, 700 ज़्यादा दिखाता है। ये मिलता है आपको कंटेंट डिलीवरी पे। तो आप एक काम कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों का पीसी कनेक्ट करवाइए। देखिए यहाँ पे एक कनेक्ट है, यहाँ पे एक कनेक्ट है, उसको बोलिए कि तुझे हमेशा इस्तेमाल नहीं करना होगा, जब भी होगा बस याद रखना कि इसको ऑन करना है, और ये अपने आप ऑन हो जाता है। देखिए यहाँ पे चल रहा है मेरा, राइट क्लिक करेंगे आप तो देखिए यहाँ पे लिखा है कंटेंट डिलीवरी एनेबल, और ये एक्टिव भी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे मेरा पहले आ रहा था, देखिए गैदरिंग से पहले देखिए ये कम हो गया था ना, तो ये जो बूस्ट मिला है आपको, देखिए मैं दिखाता हूँ कंटेंट डिलीवरी कब से चालू है, 17 तारीख छोड़ दीजिए, बीच रास्ते में शाम को चालू हुआ था, 18 तारीख से मैं मान लेता हूँ। अब इधर का 18 तारीख देखिए, ये 17 तारीख 18 से देखिए बूस्ट होना चालू हो गया, देखा जैसे जैसे ये बूस्ट हो रहा है वैसे वैसे ये भी बूस्ट, और उसके साथ साथ देखिए सुबह से 350 MB, 370 MB हो गया, तो इसके साथ साथ डिवाइस भी ऐड करते जाइए। तो ये सिंपल सा तरीका है जो हनीगेन है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कि ये मुझे 3 जो मिला है ना, आप अगर मेरे लिंक से ज्वाइन करेंगे तो $5 आपको फ्री में मिलेगा, उसके ऊपर आपका अर्निंग होगा, ठीक है, उसके ऐड होगा, मतलब 5 जो डॉलर है वो आपको फ्री में मिल जाएगा। तो वो गलती मैं जो किया हूँ, आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आपने पहले माने के ये मैं बना के छोड़ दिया, तो इनवाइट फ्रेंड किया मैं, तो वो जो रेफरल लिंक है उससे आप ज्वाइन कीजिए। ये मेरा 4th तरीका है, मतलब आप पहले ये एक प्रोफाइल बना लिए,
तो उसका रेफरल लिंक लीजिए, लेके नया अकाउंट बनाइए। तो क्या होगा, आपको पाँच जो है मतलब जो आपका पाँच क्या कहते हैं $5 जो है वो फ्री में मिल जाएगा। आप वही अकाउंट पे आप दोस्तों को ज्वाइन करवाइए, तो क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपका ये अकाउंट जो चालू है इसका रेफरल ये खुद का अर्निंग जनरेट करते जाएगा, और ये जो दूसरा आपका रेफरल लिंक है मतलब जो रेफरल से 10% आपको मिलता है तो उसका भी कमीशन आपको मिलता जाएगा। मानिए कि अगर ये 3068 है तो इसका 10% आपको बेसिक अर्निंग भी मिलेगा और कमीशन अर्निंग भी मिलता जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि एक मेन अकाउंट बना के उसको छोड़ दीजिए और उसका रेफरल लिंक लेके आप दूसरा अकाउंट बनाइए, उसमें अर्निंग करना आप चालू कीजिए, उसमें सबको ज्वाइन करवाइए, तो आपको दोनों अर्निंग होगा, उसमें भी अर्निंग होगा, वो जो रेफरल वाला अकाउंट है उस पे भी अर्निंग होगा और इधर भी फ्री पे अर्निंग आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये चार टिप्स है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और काम भी करेगा आपके साथ। तो बस इतना ही, अगर कोई और भी कुछ जानना है आपको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा। और दूसरा एक है, दूसरा तरीका मैं उसके अगले वीडियो में बताऊँगा कि दूसरा कौन सा तरीका है जिससे आप ऐसे बैंडविड्थ को आप इस्तेमाल करके अर्निंग कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तो चलता हूँ, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे।